सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर अपनी सही कर्म के कारण। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम दोनों को एक साथ कर दे तो कितना अच्छा होगा। बच्चों को माता पिता मिल जाएंगे और माता पिता को बच्चे मिल जाएंगे। गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में एक फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है। आज का पंचांग 18 नवंबर 2023 दिन शनिवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 9:18 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र रात्रि 12:06 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:28 से 10:50 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर सुबह 7 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 18 नवंबर 2023 दिन शनिवार, आपके द्वारा किए गए निर्णयों में व्यवहारिक रहें। कुछ नए अनुबंध या व्यापार साधने के लिए कौशल और परख की आवश्यकता है। यदि आप पहले से ही प्रतिबंध नहीं है तो रिश्ते को अगले चरण पर ले जाने का दिन है। जोखिम या जुए से बचे, दोस्तों के साथ जश्न मनाने के लिए समय निकाली। बिक्री या सौदे के लिए आज के दिन भी महत्वपूर्ण है। नए अनुबंधों की शुरुआत भी होगी, इसमें कौशल और परख की भी आवश्यकता है। अगर महानता हासिल करना चाहते हैं तो महान काम करें। विदेश जाने के लिए इच्छुक लोगों के लिए उचित संभावनाएं बन रही है। अपना हर काम योजनाबद्ध तरीके से करना और अपने कार्यों के लिए एकाग्र होना आपको सफलता देगा। कुछ नजदीकी या दूर दराज की यात्राएं होने के योग बन रहे हैं जो कि लाभदायक साबित होंगी। परिस्थिति से ना भागे, हालात का डर कर सामना करें। किसी व्यक्ति का साथ ना मिलने से तनाव और अकेलापन रहेगा। यही बातें आपके व्यक्तित्व को मजबूत बना रही है और लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए तैयार करेगी। लोगों की आलोचनाओं से ना डरे, काम से जुड़े हुए लोगों के साथ चर्चा करने के बाद ही निर्णय लें। रिलेशनशिप से जुड़ी बातों की चर्चा किसी भी व्यक्ति के साथ ना करें। सावधानियां, मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी जरूर निकालें। आपकी किसी व्यक्तिगत बातों को लेकर परिवार में कोई वादा हो सकता है। बेहतर होगा कि अपने स्वभाव के लिए आत्मचिंतन अवश्य करें। विद्यार्थी अपनी शिक्षा के लिए लापरवाही ना बरतें। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने लिव इन पार्टनर या करीबी मित्र का खास ख्याल रखें जो हमेशा आपका साथ देते हैं। विवाह के इच्छुक व्यक्तियों को अभी इंतजार करने की जरूरत है। जीवन में रिश्ते को कभी भी बोझ न समझें, बल्कि उन्हें खुलकर एंजॉय करें। एक पारिवारिक संघर्ष से गुजरना पड़ सकता है। आज आप जिस भी व्यक्ति से मिलेंगे वो आपके कुर रवैये और करिश्मा से बच नहीं पाएगा। हर कोई आपकी क्षमताओं और प्रतिभाओं की तारीफ करेगा। अगर आपका प्यार एक तरफा है तब भी चिंता ना करें। जैसे जैसे आपका क्रश आपको अधिक जानेगा वैसे ही आपकी नजदीकियां बढ़ेगी। बस कोशिश करना ना छोड़ें। बात करते हैं करियर की। आपके सितारे अभी किन्हीं कानूनी समझौते या ट्राई अप की तरफ इशारा कर रहे हैं जो आपके जीवन व नजरिए में बदलाव ला सकता है। किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले योजना बनाएं, उसके बाद प्रयास करें। व्यापार में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है। बिक्री या पैसों के लिए यह महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि सफल होने के लिए क्या करना चाहिए और आप अपने कौशल को उपयोग करने से नहीं डरते। याद रखें, अगर शुरुआत अच्छी हो तो आधा काम वही हो जाता है। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा,
कोई चिंता ना करे व्यायाम आदि करना आपको ऊर्जावान रखेगा। सर्दी और बुखार की तकलीफ होने की संभावना है, इम्यूनिटी बरकरार रखने की कोशिश करें। आज का उपाय, आज आप शनि भगवान जी की पूजा आराधना करें और नीले या सफेद पुष्प अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।